हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, आज की वीडियो का टॉपिक है ना, बहुत मस्त होने वाला है। मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस फॉर जेई एडवांस। मतलब तुम्हें पक्का इसके बारे में कितनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी एज कम्पेयर टू जेई मेंस। तुम्हें पता नहीं होगी कितने मार्क्स, कितनी रैंक, ठीक है, क्या हो रहा है इन 3-4 सालों में, एडवांस ने क्या पैटर्न रखा है, कितने कट ऑफ, वो सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं विवेक शर्मा, मैं ऐसे ही IIT JEE के गाइडेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। तो अगर तुम्हें थोड़ा भी बेनिफिट हो इन वीडियो से, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार मेरे सपोर्ट के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना। तो जल्दी से चलते हैं यार वीडियो की तरफ। देखो यार, इसमें मैं एनालिसिस में घुसने से पहले तुम्हें कुछ फैक्ट्स क्लियर कर दूँ मैं, कि यहाँ पे तुम्हारी परफॉर्मेंस मार्क्स पे जज नहीं की जाती, परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे जज की जाती है। क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे टोटल स्कोर फिक्स नहीं होता, टोटल स्कोर फिक्स नहीं है, तो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है। तो मैं कैसे कह दूँ कि मेरे जितने मार्क्स आए हैं उतने तुम्हारे आ जाए तो सेम रैंक बन जाएगी या उसके आसपास बन जाएगी? क्या पता है मेरे जितने मार्क्स लगे तुम्हारी उसके आसपास भी रैंक ना बने, बिल्कुल ही दूर बने। तो टोटली डिपेंड्स पेपर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर अफेक्ट करते हैं ना उसमें। और इसमें यार ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मैं JEE एडवांस 2021 के लिए ही बना रहा हूँ मैं इसमें, है ना। तुम सारे एस्पायरेंट इसे देख सकते हैं ताकि उन्हें एक जनरल परस्पेक्टिव मिले कि 3 साल में एडवांस में क्या पैटर्न रहा है, कि क्या कितने मार्क्स पे क्या रैंक बनती थी, या फिर ताकि तुम अपने एम को थोड़ा क्लियर कर पाओ कि मुझे इतनी रैंक चाहिए, या फिर मैं इस IIT में इस ब्रांच लेना चाहता हूँ तो मुझे ये चाहिए होगा, ये रैंक चाहिए होगी, है ना, ताकि तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अनअकैडमी ने क्लास 11th और क्लास 12th के लिए 3 न्यू बैचेस लॉन्च किए हैं। क्लास 12th वाले बैच का नाम है इवॉल्व बैच, एंड क्लास 11th बैच है इमर्ज बैच। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, और अगर तुम सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, विच इज़ Vivek44, ताकि तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाए। तो अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें IIT बॉम्बे मैकेनिकल ब्रांच लेनी है, तो उससे अगर जो मैंने बताया उससे तुम्हारी रैंक जो भी निकलती है, तुम्हारा एम उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तुम्हें ही पता है कि तुम जो एम करोगे तुम्हें उससे थोड़ा कम मिलेगा, हमें गड़बड़ हो जाती कभी ना कभी। तुम्हारा एम उससे ज़्यादा होना चाहिए ताकि तुम जो तुम्हें लेना है वहाँ तक पहुँच जाओ। और सेकेंडली यार, मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाता जो मैं बताता, क्योंकि अब ज़रूरी थोड़ी कि इतने बच्चे मेंस के लिए करके एडवांस में बैठ रहे हैं, उस साल उस कैटेगरी के कितने बच्चे बैठ रहे हैं ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, खास करके एडवांस में कितने उस कैटेगरी के बच्चों ने मेंस के लिए करके फिर वो बैठे। तो इसलिए मैंने कैटेगरी इंक्लूड नहीं की है, ठीक है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर तुम कैटेगरी स्टूडेंट हो भी तो तुम ऐसे ही पढ़ोगे, तुम जनरल क्यों, तुम्हारा टारगेट 5K या 10K के अंडर रैंक लेने का होना चाहिए, बाकी तुम्हें बूस्ट तो कैटेगरी का मिल ही जाएगा एट द एंड, ठीक है। तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा यार कि हर साल कभी पेपर जैसा भी है, पेपर हार्ड है, इजी है, कट ऑफ्स कभी ना कभी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, कट ऑफ कभी बहुत कम चले जाते हैं। तो ये एवरेज बच्चों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि ज़्यादातर बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। टॉपर 350-300 लाए गए उसकी, उससे नहीं होता वो। जैसे हमारे में कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, और जबकि 2019 में कट ऑफ 30-35% जो है, हमारे में सीधे 17-20% चली गई थी। तो वो एवरेज बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तुम कट ऑफ का तुम्हारा टारगेट नहीं होना चाहिए, तुम कट ऑफ से एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लो ताकि तुम अंडर 10K रैंक तक तो आ जाओ। यार तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF खोल लो जल्दी से, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने पहले पॉइंट्स लिख रखे हैं कि यहाँ पे मैंने JEE एडवांस के 3 ईयर्स का एवरेज लिया है। एक तरह से तुम, मतलब ऐसा ही नहीं कि मैथमेटिकल चीज़ एवरेज ले लिया, एक पॉइंट कंसिडर करके लिया है कि अगर एडवांस का पेपर एक मॉडरेट लेवल पे आ रहा है तो तुम्हारी क्या रैंक बन रही होगी पर्टिकुलर मार्क्स पे, है ना। तो वो तुम देख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हारा इजी पेपर आ रहा है तो तुम्हें इस मार्क्स पे +20 कर देने हैं, और अगर तुम्हारा हार्ड पेपर आ रहा है तुम्हें इस मार्क्स पे -20 कर देने हैं। बाकी पैटर्न वही रहने वाला, रैंक उतनी बनने वाली, ठीक है, बस तुम्हें मार्क्स का चेंज करना है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो यार तुम, जैसे मैंने पहले AIR लिख रखा है कि अंडर 100 AIR के लिए तुम्हें कितने मार्क्स तुम्हें एम करना पड़ेगा, 260+। सिंपल है, 260+ तुम्हें एम करना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर भी थोड़ा कम किया, एटलीस्ट ये 270 होता है, ठीक है, अंडर 100 अगर बात करते हैं। अगर तुम अंडर 1000 देख रहे हो तो तुम्हारा अराउंड 200 मार्क्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें, 2020 में 180-190 पे तुम्हारा 1100 या 1000 रैंक बन गई थी, है ना, क्योंकि पेपर हार्ड थे पहली बात, और 180-398 का ऑलमोस्ट कह सकते हो तुम 50% है, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूँगा पर मैं ऑलमोस्ट है। तो अगर तुम 50% मार्क्स ला दो तो वैसे ही तुम्हारी रैंक अच्छी बनती है, ठीक है, और उल्टा पेपर भी हार्ड है। और अब तुम ये मत कहना है कि 19 का हार्ड और 20 का हार्ड है नहीं, हार्ड सबके लिए सब्जेक्टिव होता है। हार्ड क्या डिपेंड करता है कि तुम एवरेज बच्चे के लिए कैसा परफॉर्मेंस आया, उसका अगर ख़राब परफॉर्मेंस आया एवरेज बच्चों का, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों का ख़राब आया तो मतलब वो पेपर हार्ड है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मेरे को जो हार्ड लग रहा हो तुम्हें भी हार्ड लगे, तुम्हें क्या पता ईजी लगे। तो इस पर यह मत लेना कि नहीं 2018 का हार्ड था, 2019 का हार्ड था। तुम फैक्ट्स देखो, तुम खाली ये देखो कि एनालिसिस कैसे है, बाकी तुम्हें क्या लेना देना है ना, तुम्हारा तुम अपना पेपर क्या आने वाला उस पर फोकस करो।
अंडर 2000 रैंक की बात करें तो उसमें तुम्हारा 190 लिखा भी मैंने, ये एवरेज है ठीक है। 3000 तुम्हारा 160 से 170 के बीच में होना चाहिए, यही रहता है जनरली, और ये चेंज होता है। जैसे बहुत ईजी पेपर आएगा तो ये 160 तुम्हारा 180 पहुंच जाएगा ना, मैंने बोला ना +2 +20 करना अगर ईजी आ रहा है तो। 4000 के लिए 150 से 160, 5000 के लिए अराउंड 145 है ना, वही रहता है जनरली, हमारे में भी वही था ठीक है। और 8K 130 और 10K 120। तुम्हारा एम फॉर एग्जांपल 5K का है तो तुम्हारा मार्क्स, तुम मार्क्स का एम रखो 180 का, प्रॉपर 180 ठीक है। तो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करना है, केमिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से करना और एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर, मतलब दो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, केमिस्ट्री और तुम्हारा एडिशनल जो भी है, बाकी सब्जेक्ट मीडियम लेवल पर रहेगा तो चलेगा है ना, क्योंकि इसमें तुम्हारा स्ट्रांगनेस चेक की जाती है, ना कि तुमने कितना पढ़ा है वो चेक नहीं किया जाएगा। तो तुम्हें ज़रूर पक्का पर्सपेक्टिव मिला होगा कि तुम्हें ऐसे सोचना है, और तुम्हारा बहुत क्लियर होगी, तुम्हारी थिंकिंग क्लियर होगी कि यहाँ पे ऐसा रैंक पे और ऐसे मार्क्स पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। और इसमें फिर भी मैंने बहुत क्लियर कट मार्क्स तो बताया पर ऐसा बताया नहीं जाता, जनरली सेफ स्कोर पता है 35% बोला जाता कि तुम्हें एक ठीक ठाक पसंद की ब्रांच, वरना क्या होगा ना कि तुम IIT मिल जाएगी तो ब्रांच नहीं मिलेगी, ब्रांच मिलेगी तो IIT नहीं मिलेगी। अगर तुम दोनों में बैलेंस बनाना चाहते हो तुम्हें 35-40% मार्क्स रखो, 40-45 तो होना चाहिए तुम्हारा टारगेट ठीक है, तब जाके तुम 40 में बैठोगे, तब तुम्हारी इतनी रैंक आएगी तो तब जाके तुम्हें एक ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी एक अच्छी IIT में है ना। तो मेरा वीडियो को बनाने का पर्पस बस यही था, आई होप तुम्हें पसंद आया हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही था यार मेरी तरफ से, तुम्हें पता था मैंने पूरा बता दिया यार, उल्टा एक्स्ट्रा मुझे एनालाइज करना पड़ा इस वीडियो के लिए, तो थोड़ा सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना ठीक है मेरी इस मेहनत पे, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, तुम प्रिपरेशन अच्छे से करो, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।